बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे फिल्मों के साथ ही अपनी लुक्स और फिटनेस को लेकर भी खूब चर्चाओं में रहती है। इस बार फिर एक अवार्ड नाइट से अनन्या पांडे सुर्खियों में है, और सिर्फ सुर्खियां ही नहीं, अनन्या काफी ट्रॉल भी हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग अनन्या पांडे को खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला जुड़ा है शहनाज गिल से। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए आपको ये बताते हैं। असल में बीते दिन पिंक विलास स्क्रीन एंड स्टाइल आइकॉन अवार्ड 2024 आयोजित किया गया। इस अवार्ड नाइट में बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे आए। जानवी कपूर, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर, आयुष्मान खुराना समेत कई सितारों ने इस इवेंट की शोभा बढ़ाई। लेकिन इस इवेंट में जहां शहनाज गिल बैठी थी, उनके बगल में बैठी नजर आई अनन्या पांडे। और ये क्या, वीडियो में देखा जा सकता है कि अनन्या पांडे शहनाज गिल की तरफ देख तक नहीं रही है। अनन्या नहीं कर रही है शहनाज गिल से बात। बस यही बात शहनाज के फैंस ने नोटिस कर ली। फिर क्या था, शहनाज के फैंस ने अनन्या को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा, ऑल नेपो किड बट आर शहनाज आउटसाइडर। तो किसी ने लिखा, क्वीन ऑफ हार्ट्स शहनाज गिल। किसी ने लिखा, अनन्या बात करे ना करे इससे क्या फर्क पड़ता है। तो किसी ने लिखा, शहनाज अनन्या से हजार गुना ऊपर है। किसी ने लिखा, शहनाज ही अनन्या से बात नहीं करेगी। तो किसी ने लिखा, शहनाज अकेली काफी है। इसी तरीके के कमेंट्स के साथ शहनाज के फैंस अनन्या को लताड़ लगाते दिखाई दिए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस वीडियो को जस्ट अ वीडियो कहा। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, ऐसे तो श्रद्धा कपूर के बगल में जानवी भी बैठी है, इसका मतलब क्या श्रद्धा कपूर और अनन्या जानवी कपूर को भी इग्नोर कर रहे हैं। वेल, बात तो ये भी सही है, लेकिन वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको किस पहलू पर ज्यादा गौर करना है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। बताते चलें कि शहनाज, अनिल कपूर और वरुण धवन इसी इवेंट में शहनाज से बहुत अच्छे से मिले थे। अनिल कपूर ने तो खुद आकर शहनाज को गले से भी लगाया था। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।